बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पीएमए न्यूज़ और मैं हूं नायला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से। डिप्टी ब्यूरो चीफ नाजी महर की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल अस्पताल गुजरावाला में एक ऐसा नाम जो बना हुआ है हर भूखे प्यास से दुखी इंसान के लिए, एक मसीहा जिसका नाम है फातिमा असद दस्तरखान, जिनके फाउंडर और बानी हैं डॉक्टर असद इम्तियाज, जो कि अपने फलाही कामों की वजह से अपना एक मुकाम रखते हैं। इनका मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, डिप्टी ब्यूरो चीफ नाजी महर की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। एज ए डॉक्टर आपके साथ नहीं खड़ा, तो ये कुछ तौफीकात हैं अल्लाह की तरफ से, जिसकी वजह से यहाँ पे हम अल्लाह ने ये इज्जत दी है। और उसकी वजह जो है बैकग्राउंड कह लें कि मेरी बेटी फातिमा असद शिवास 14 और उसकी ब्लड कैंसर से डेथ हो गई थी 2018 में। तो उसके साथ मुझे 3 माह CMH पिंडी में रहने का मौका मिला। साथ ही साथ मेरी वालदा को भी कैंसर हुआ था, दोनों इकट्ठे, उनकी भी डेथ हुई 6 मंथ्स के अंदर। तो वो समझ लें कि उस इन आजमाइश से गुजार के अल्लाह ताला ने एक ट्रांसफॉर्मेशन, ज़िंदगी 180 डिग्री पे चेंज करने की तौफीक दी। और अगर अल्लाह ताला आपको कोई आपको कोई पोटेंशियल दिया हो अल्लाह ने और रिसोर्सेज दी हों, और या आपने उसने कोई काम लेना हो, क्योंकि ये बाजार साफ पता लग रहा है कि हमारे बाजुओं का काम नहीं है, वही हम पहले थे और ये चीज़ें, इन चीज़ों की तरफ कभी ध्यान भी नहीं किया था, और अब अल्लाह ले आए। तो फातिमा को, जो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा शौक़ था फलाही काम करने का, और बल्कि वो तो कहा करती थी कि आप बाबा मेरा बस मेरा दिल चाहता है मेरी बिल बोर्ड्स लगे हो मेरी फ्लाई कामों के। तो उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, जब वो ठीक थी, कि बेटे इसके लिए तो मेमोरियल होना पड़ता है। तो एक वक्त ऐसा आ ही गया, पता नहीं। तो एनीवे आज हम जो मौजूद हैं ये फातिमा से दस्तरखान पे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिविल हॉस्पिटल में अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है दस्तरखान की। ये मेरे और फातिमा के दरमियान डिसाइड हुआ था कि अल्लाह उसको सेहत दे तो हम एक दस्तरखान बनाएंगे। तो ज़ाहर है वो दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन दस्तरखान वाली कबूल होगी। और 5 लोगों से शुरू होने वाला दस्तरखान आज 500 लोगों तक चला गया, और यहाँ पर लाइव सहर और अफ्तार ऑपरेशन चलता है, और पूरा साल यहाँ पर लंच और डिनर बेड टू बेड जाके सर्व किया जाता है और ब्रेकफास्ट भी। डॉक्टर साहब, ये कितना आपका अर्सा हो गया यहाँ पे फलाही काम शुरू किए को? ऑलमोस्ट 2019 से हमने शुरू किए थे। तो इससे इसके बिल्कुल सामने फातिमा असद वेलफेयर क्लिनिक है, जहाँ पे 200 रुपये में 500 रुपये में हम पेशेंट्स देखते हैं। बहुत दूर दराज से पेशेंट्स आते हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा ये है कि फातिमा असद मदरसा है, वहाँ पे 300 बच्चियाँ पढ़ रही हैं, हिफज, नाजरा वगैरह हर चीज़। और फातिमा असद वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके तहत आप देख रहे हैं यहाँ पे भी सामने ये हमने ऑरो प्लांट्स लगाए हैं जगह जगह, और शहर के 25 मकाम आते इलेक्ट्रिक कूलर्स हैं जिन पे